हर तरफ लोकसभा 2024 के चुनाव का सियासी मामला गर्माहट पकड़ रहा है। इसी कड़ी में अब आप देख रहे हैं कि मिर्जापुर में रविवार के दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। नरेश उत्तम पटेल जी ने मुलाकात की हमारे जो राष्ट्रवादी मंच के मनोज जी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी ये प्रत्याशी रह चुके हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो बाजार में इस वक्त हर तरफ चर्चाएं चल रही हैं, किसी को लगता है कि आप वापस से इस गहरी मुस्कान के साथ बीजेपी में एंटर करने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि आप समाजवादी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपकी उस दिन की जो उनसे मिलने के बाद वो मुस्कान थी, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में कदम रखने वाले हैं? सबसे पहले आपका मनोज जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और आप बताएं दर्शकों को, बड़ी कौतूहल है लोगों के अंदर इस विषय को लेकर कि आखिर आपकी उस मुस्कान के पीछे कौन सी पार्टी छुपी है। नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने के पश्चात मैंने राष्ट्रवादी मंच का गठन किया है, और उसी राष्ट्रवादी मंच का विस्तार करने के लिए मैं लगा हूँ। मेरी सामाजिक गतिविधियाँ जो पहले चलती थी, आज भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। मेरे से मिलने अगर कोई आता है तो उसको राजनीतिक चश्मे से लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी समय मेरे से मिलने आता है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। उसी कड़ी में लोगों का आना जाना है मेरे पास। लेकिन एक बार फिर भी अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को साफ कह दें कि आपकी उस मुस्कान के पीछे समाजवादी का झंडा तो नहीं है? मेरा ये चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है जी। कभी भी आप किसी मोड़ पर मिलेंगे, मैं आपको कहानी सुनाऊं। एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी, हम लोग तृतीय विश्वहिंदू सम्मेलन कर रहे थे 2007 में 11, 12, 13 फरवरी, और 3.5 करोड़ का टेंट लगा था। 2 दिन लगातार बरसात हुई, सारे टेंट ढह गए, और उस संकट की घड़ी में मुझे जो मिलता था मैं मुस्कुराते हुए मिल रहा था। सरदी अशोक सिंघल जी ने कहा कि तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रही संकट की घड़ी में, तो ये स्माइलिंग फेस है, तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। इस वक्त हर तरफ राजनीति चल रही है और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में अभी हाल में ही पल्लवी पटेल जी ने भी आपसे मुलाकात की थी, और उन विधायिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मुलाकात करके आपने अपना दल को लेकर क्या सोचा? नहीं, वो भी एक शिष्टाचारी मुलाकात थी, और वो मिलने आई थी। यहाँ पे लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी नजरिया हैं करने के, वो कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे लेना देना नहीं। तो क्या आप अब भी निर्दल दल के जो प्रत्याशी रहे हैं उसी तरीके से निर्दल दल के बन के चुनाव लड़ने वाले हैं, या आप किसी गठबंधन में या फिर समाजवादी के साथ या अपना दल के साथ या वापस से बीजेपी में जाने वाले? अभी चुनाव कहीं अध्यादेश नहीं आया है जी। जब चुनाव आएगा, जनता की जो आवाज होगी, जनता की आवाज को सुनेंगे, जो निर्णय होगा उस समय करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहेलियां जो हैं वो उलझी हुई हैं और इसको सुलझाया नहीं जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य हो सकता है। इन्होंने हाल में ही बता दे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मुलाकात की, और साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी से मुलाकात की, और दोनों ही मुलाकातों ने मिर्जापुर की जनता के दिलों में काफी कौतूहल मचा दिया। यानी लोग जानने को आतुर हैं कि आखिर हमारे जो सबसे अच्छे कह सकते हैं मिर्जापुर के निर्दल दल के प्रत्याशी प्रवक्ता रह चुके हैं और राष्ट्रवादी जो हमारा मंच है उसके संस्थापक हैं, और इनकी जो बात है इससे युवा तो क्या हर जो उम्र है उसके लोग प्रभावित हैं, ये किस पार्टी की तरफ इनका रुझान है ये जानने के लिए सब आतुर है। लेकिन इनका कहना है कि ये अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ने वाले, ये इसी तरीके से रहस्यमयी चीजों को गोल गोल घुमाएंगे। जैसा कि सियासी मामला सिर्फ गोलाइयों पर टिका होता है, सीधे जवाब कोई नहीं देता, तो इसी का सामना करने एक्सप्रेस न्यूज की टीम इनके आस पहुंची थी और इनसे जानने का प्रयास कर रही थी कि आप इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं। फिलहाल आपने अपना जो पक्ष था बताया कि आपको अभी इस बारे में कोई अंदेशा नहीं है। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि जिस तरीके से चीजें होंगी उसी तरीके से ये किसी भी पार्टी का जो है वो रूप ले सकते हैं। आप अपनी पार्टी यानी निर्दल जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको छोड़कर किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। देखिए, अभी मेरा एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है। विगत 10 वर्षों से जिन लोगों ने मिर्जापुर की राजनीति को हाईजैक किया है, बाहर से आकर के मिर्जापुर को चरागाह समझ करके चल रहे हैं, और तथाकथित वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कहा है वो हमें याद आती है कि हम
किसी के गुलाम नहीं है। हम 5 वर्ष तक अगर किसी को चयन करते हैं, उसका काम अच्छा नहीं है, तो हमें उसको आगे बदल सकते हैं। जनता को यह हम संदेश देने जा रहे हैं जन संवाद यात्रा के माध्यम से। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व से माँ विंध्यवासिनी के धाम दर्शन करने के पश्चात हमारी जन संवाद यात्रा गांव-गांव जाएगी, 12 ब्लॉक में जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है, जो लोग मिर्जापुर के आंखों में धूल झोंक करके, जो लोग मिर्जापुर को ठग करके अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों की राजनीति की दुकान बंद कराने का काम राष्ट्रवादी मंच करेगा और मिर्जापुर की धरती से उनकी राजनीति का पिंडदान करेगा, ये संकल्प है हमारा। सबसे पहले बहुत अग्रिम बधाइयां आपकी यात्रा के लिए, और हम आपसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आपसे चुनने को कहा जाए या कहा जाए कि किसकी तरफ आपका रुझान या फिर उनका कार्य आपको बेहतर लगता है, तो आप किस पार्टी को कहना चाहेंगे? किसी पार्टी के विषय में अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि समस्त राजनीतिक दल का मुझे चरित्र एक जैसा लगता है। आप देख रहे हैं बचपन में वो जो चवन्नी जब चलती थी तो हर तरह की टॉफियां हुआ करती थी, जब हम 1 रुपए देते थे तो 4 टॉफियां मिलती थी, हम जिद करते थे कि हम 4 टॉफियां अलग अलग डब्बे से निकालेंगे। तो हाल इस समय राजनीतिक जो चीजें चल रही है कुछ यूं ही है, लोग अपनी फ्लेवर जो होती है यानी जो पार्टियां हैं उसको भी बताना और जताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही चाहते हैं ऐसा कुछ हो। तो इसी कड़ी में मनोज जी मिले थे और इसके बाद हमारी टीम यहाँ आई, हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छा लगा इनसे मिलके और ये जानकर भी अच्छा लगा कि 14 तारीख से इनका एक कार्यक्रम चलने वाला है जो हमारे और आपके लिए जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और कहना चाहेंगे? नमस्कार, बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ।